मैं सलमान खान को मार डालूंगा। अरे रुको रुको रुको, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ये तो सलमान खान को मिली धमकी का नया वीडियो वायरल है। जी दोस्तों, फिर आया लॉरेंस बिश्नोई का नाम। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर के फायरिंग के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने एक नई FIR दर्ज की है। जी दोस्तों, इस मामले में आपराधिक धमकी देने के आरोप में राजस्थान से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। जी दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान फिर से चर्चा में हैं और इन पर धमकियों का सिलसिला तो रुकता ही नहीं। कभी इनके घर के बाहर फायरिंग, कभी धमकी। तो दोस्तों, अब राजस्थान से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान राजस्थान के बूंदी निवासी बनवारी लाल लटूर लाल गुज्जर के रूप में हुई है और अब मुंबई पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जी दोस्तों, एक पुलिस अधिकारी ने बताया, बनवारी लाल लटूर लाल गुज्जर ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसने कहा था, लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार और उनके गिरोह के सदस्य उनके साथ हैं, मैं सलमान खान को मार डालूंगा क्योंकि उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी। जी दोस्तों, बता दूं कि आरोपी ने राजस्थान के एक हाईवे पर वीडियो बनाया और फिर उसे अपने चैनल पर अपलोड किया। जी दोस्तों, मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धमकी वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एक टीम राजस्थान भेजी गई थी और इस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन में इस मामले में केस दर्ज किया गया है और अब पुलिस आरोपी का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी चेक कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हम जांच कर रहे हैं कि आरोपी बनवारी लाल गुज्जर का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है और उसे भारतीय दंड संहिता के संबंधित धाराओं जिसमें 506 आपराधिक धमकी के लिए दंड और IT अधिनियम के प्रावधान शामिल है के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। बता दूं कि 14 अप्रैल को सुबह 4:52 पर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर दो बाइक सवार शूटरों ने 5 राउंड फायरिंग की थी और इसमें से एक गोली सलमान खान के घर की दीवार पर लगी थी, जबकि एक गोली वहां लगे नेट को चीरती हुई घर के अंदर ड्राइंग रूम की दीवार पर जाकर लगी थी। इसके बाद आरोपी चर्च के पास बाइक छोड़कर फरार हो गए थे और इस मामले में 4 जून को दोपहर करीब 12 बजे मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के 4 अधिकारी सलमान खान का बयान दर्ज करने उनके घर पहुंचे थे और सलमान खान का बयान दर्ज करने में करीब 3 से 4 घंटे लगे थे। वहीं उनके भाई अरबाज खान का बयान दर्ज करने में 2-2.5 घंटा लगा था। क्राइम ब्रांच की टीम 5:30 बजे के बाद उनके घर से निकल गई थी और अरबाज खान का बयान 4 पन्नों में दर्ज किया था, जबकि सलमान खान का बयान 9 पन्नों में दर्ज किया गया। जी दोस्तों, बता दूं कि सलमान खान ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि घटना वाली रात उनके घर पर पार्टी थी जिसके कारण उन्हें देर से नींद आई, सुबह गोलियों की आवाज सुनकर उनकी नींद खुली। जी दोस्तों, बता दूं कि सलमान फायरिंग मामले में अब तक मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कुल 29 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। इस घटना के समय सलमान खान के पिता सलीम खान घर पर मौजूद थे, हालांकि उनकी उम्र ज्यादा होने के कारण उनका बयान दर्ज नहीं किया गया। जी दोस्तों, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर सलीम खान का बयान भी दर्ज किया जाएगा और पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से हिरासत में लेने की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन घुमा फिरा कर वहीं पर आ गया, क्या सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।